स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे डिफाइन करेंगे वो ये देख लो। हमारे पास मान लिया हमने लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए टू द पावर कैपिटल टी, ए टू द पावर स्मॉल टी और ए टू द पावर डैश इज एन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स सच डैट। सबसे पहले यहाँ क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन, तो उसका जब तुम ट्रांसपोज लोगे ना तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, एन बाई एम। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोज जो होगा ना वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऑर्डर का रिवर्स होगा, मतलब कि रो कॉलम में चेंज हो जाएगा एंड कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। अब जो ट्रांसपोज है उसके आई जेथ एलिमेंट को तुम कैसे डिफाइन करोगे, इज इक्वल टू ए जी आई। ए जी आई क्या है, ये ए मैट्रिक्स का आई जी एथ एलिमेंट है, ये है ना ए मैट्रिक्स का आई जी एथ एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुमने ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आई जी एथ एलिमेंट लिया तो जो मैट्रिक्स ए है ना उसका वो जे आई एथ एलिमेंट होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कि तुमने ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया, उसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिया, तो वो ए ट्रांसपोज के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेम होगा। ये ट्रू है फॉर ऑल आई जे। आई का वैल्यू क्या होगा हमारा, वन से लेके एन तक। क्यों, बिकॉज आई जो है वो कहां से, रो को बिलोंग कर रहा है, रो क्या हमारे पास एम। और जे का वैल्यू क्या होगा, वन से लेके एन तक। क्यों, बिकॉज जे जो है कॉलम को बिलोंग कर रहा है, कॉलम क्या हमारे पास एन। ठीक है, दस ए ट्रांसपोज इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई चेंजिंग इट्स रोज इंटू कॉलम एंड कॉलम्स इंटू रो। मतलब कि तुम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन करोगे, उस मैट्रिक्स के जितने भी रोज हैं ना उनको कॉलम में चेंज कर दो और जितने भी कॉलम्स हैं उनको रो में चेंज कर दो, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग, जैसे कि हमने सपोज डैट यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स, हमने जनरल मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, जैसे ये ध्यान दो, हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया ए, इसको हमने क्या बोला, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ये क्या हमारे पास 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर सपोज डेट इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो 3 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और ए ट्रांसपोज हम लिखेंगे कैसे, या तो इस मैट्रिक्स में ये जो फर्स्ट रो है और ये जो सेकंड रो है इसको तुम, ये हमारा आर वन है, ये आर टू है, इसको तुम कॉलम में चेंज कर दो। मतलब ये आर वन है ना इसको ऐसे करके कॉलम बना दो, आर टू है इसको ऐसे करके कॉलम बना दो, या जितने भी कॉलम्स हैं उनको रो बना दो। या मतलब कि जैसे ये हमारा पहला कॉलम है ना सी वन, इसको ऐसे करके रो, फिर दूसरा कॉलम को उसके नीचे ऐसे करके रो बना दो, तीसरे कॉलम को रो बना दो। मतलब क्या बोलने का मतलब कि तुम या तो जितने भी रोज हैं उसको कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो पहला रो हमारा क्या है, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया ए वन थ्री, फिर ये क्या हो जाएगा ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री। ठीक है ना, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, क्लियरली है 3 बाई 2, बिल्कुल राइट। अब ये हमें ए ट्रांसपोज मिल गया। अब तुम यहां से ऐसे भी ध्यान दो, अगर मान लो कि मैं ना इसका इसके कॉलम को रो में चेंज करता तो ये जो दो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में आ जाते, फिर ये सेकंड जो कॉलम है ये सेकंड रो में आ जाते, फिर ये जो थर्ड कॉलम है ये थर्ड कॉलम में आ जाते, तो ये सेम ही मैट्रिक्स मिलता। ठीक है, अब क्या है कि तुम ऐसे देखो, अगर मैंने ए ट्रांसपोज के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिया, ए वन वन लिखने का मतलब कि हमने ए ट्रांसपोज के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिया, तो वो किसके इक्वल है, ए वन वन है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और ये ए वन वन किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ए मैट्रिक्स है ना इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर तुमने ए ट्रांसपोज के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लिया तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है, ए टू वन। अब ये जो ए टू वन है ना ये क्या है, इस ए मैट्रिक्स के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देख लो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना ये ए टू वन, तो ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब अगर मैंने लिखा ए ट्रांसपोज टू वन लिखा, अब वन थ्री तो लिख नहीं सकते ट्रांसपोज में, बिकॉज तीन कॉलम तो है ही नहीं ट्रांसपोज में, इसमें तो दो ही कॉलम है। तो अब हमने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिया तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या मिल गया हमें, ए वन टू। और ये क्लियर है, ये किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के।
ठीक है। अगर मैंने लिया ए ट्रांसपोज के सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या मिल रहा है, ए टू टू। तो ये ए टू टू ये किसके इक्वल है, फर्स्ट ए मैट्रिक्स के सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल। अब अगर मैंने लिया ए ट्रांसपोज के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हमारे पास, ए वन थ्री। ये किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के, ये हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमें क्या मिला, ए वन थ्री। ये किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट। देख लो, फर्स्ट रो हो गया थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अब फिर मैंने बोला ए ट्रांसपोज का अगर मैंने लिया थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो वो क्या है, देख लो ए टू थ्री। ये ए टू थ्री क्या है, ए मैट्रिक्स के सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए मैट्रिक्स के सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख लो, ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में यही बात यहाँ पे लिखी गई है, देख लो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो हमने एक टू बाई थ्री ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स ले लिया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स कोई भी है, मान लो ऐसे लिखा है 1 2 3 0 -1 8 4 5 6, मान लो ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर तुम इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये भी एक 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही आएगा। बिकॉज क्या, रो को कॉलम में चेंज करोगे, कॉलम को रो में चेंज करोगे, तो सेम मिल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज क्या है, अब मैंने क्या किया, इसके कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो पहला कॉलम क्या, 1 2 3, इसको पहला रो बना दिया 1 2 3। दूसरा कॉलम क्या, 0 -1 8, इसको दूसरा रो बना दिया 0 -1 8। फिर तीसरा कॉलम क्या, 4 5 6, इसको तीसरा रो बना दिया, तो ये हमें मिल गया। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये भी 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, अब इसमें तुम ऐसे देख लो, अगर मैं बोलूं कि ए मैट्रिक्स के, कोई ए मैट्रिक्स लिया, इसके सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 5 है। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स के सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये ए ट्रांसपोज के थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। ये देख लो 3 2 का एलिमेंट हो जाएगा, देख लो यहाँ से थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अगर मैंने बोला ए मैट्रिक्स के, जैसे मैंने बोला कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो ए मैट्रिक्स के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये तो 2 हो गया, तो ये ए ट्रांसपोज के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। देख लो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है ना, फिर दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एक बात तुमको ये ध्यान देना है कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये तो अभी हमने ट्रांसपोज जो लिया था ये तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये जो अभी हमने ट्रांसपोज लिया ये तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स था। अगर हमने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो चेंज नहीं होते,